सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी चयन परीक्षा के संबंध में अपनी मांगों को लेकर दर्जन भर नर्सों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन सौंपते हुए क्या कुछ कहा गया, आइए सुनाते हैं रोहित पाटिल की इस खास रिपोर्ट में। आज आप लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय आई हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या मांगे लेके आप आई हैं? हमारी समस्या ये है कि हम लोग देखिए जो बी एस सी नर्सिंग पास आउट स्टूडेंट्स हैं और हमारा NHM की जो भी वैकेंसी आई थी तो उसमें हम लोग का सिलेक्शन हो गया। तो पहले NHM वालों ने सारा कुछ प्रोसेस सही किया, हमारा हमें एक्सेप्ट किया और हम लोग का पोस्टिंग के लिए जगह भी चॉइस फिलिंग के लिए दी। और अब जब हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आई, 3 तारीख से ये स्टार्ट था, तो उस दिन से उन्होंने नाटक करना शुरू कर दिया और हमें रिजेक्ट करने के लिए बोला कि आप लोग 2015 में आपका एनरोलमेंट हुआ था तो आप लोग एलिजिबल नहीं हैं। तो हमारा सवाल ये है कि जब हम एलिजिबल नहीं हैं तो ये शुरू में क्यों नहीं हमारा रिजेक्ट हो गया फॉर्म? अगर हम एलिजिबल नहीं होते तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट होना चाहिए था, और अब ये चीज़ क्यों रोकी जा रही है? अगर हम एलिजिबल नहीं हो, अगर हमारा जो लेकिन हमारा जो सेशन है वो लेट है क्योंकि MPMSU ने जो CCH करिकुलम है वो हमारे उसमें लेट इंक्लूड किया, जबकि INC जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसके द्वारा 2019 में ऐड हो गया था। तो हम 2019 में रनिंग चल रहे थे उस टाइम पे, तो हमारे उसमें होना चाहिए लेकिन उन्होंने नहीं ऐड किया। लेकिन तभी हमारे कॉलेजों ने हमें करवाया और CCH सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जो कि हम लोगों ने जमा किया है अपने फॉर्म के साथ अटैच किया, लेकिन शुरू में हमें रिजेक्ट नहीं किया गया लेकिन अब बीच में जाके हमें अटका दिया गया है। तो हमारी मांग ये है कि हमें रखा जाए और हमारी जो हमारे साथ जो गलत हो रहा है वो ना किया जाए क्योंकि हम सेलेक्ट हो चुके हैं मेहनत से हम लोगों ने। अभी आप जबलपुर भी गई थी? हाँ, हम लोग कल जबलपुर गए थे, बारह से कलेक्टर साहब वहाँ पे हम लोगों ने MPMSU से ये लिखित ले लिया है जो जमा हो गया ज्ञापन। लेटर में लिखा है कि हम लोग एलिजिबल हैं CCH और CHO के वैकेंसी के लिए और ये जो रूल बुक है उसके हिसाब से देखिए 2020-21 वालों का लिखा गया है, 2020-21 वाले, और हम 2020 में आ रहे हैं। हम लोगों ने हमारा एग्जाम 2020 में ही हुआ लेकिन हमें अब नहीं लिया जा रहा, रूल बुक का फॉलो भी नहीं किया जा रहा। और इसमें एक देखिए अपेंडिक्स 2 है जो कि पास आउट स्टूडेंट के लिए ही है, देखिए इसमें लिखा है हैज़ कम्प्लीटेड BSc नर्सिंग, तो अगर हम एलिजिबल नहीं है तो और कौन एलिजिबल हो सकता है? अब मांगे पूरी नहीं होती, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग लड़ेंगे। मेरा नाम आरजू द्विवेदी है, हम लोग सदामिनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड रिसर्च के छात्र हूं। टोटल कितने छात्रों के साथ ऐसा हुआ है? ये 16 अभी तो अभी यहाँ पे तो 20 से 21 छात्र हैं रीवा बस के, और जब सारे हम मिले तो जाएंगे तो मान लीजिए 1600 तक के छात्र हैं जो कि हमारे पास आउट स्टूडेंट्स हमारे 2015 बैच के हैं जिनका कोर्स लेट हो गया है उसकी वजह से उनके साथ गलत हो रहा है। एक बार और नाम बता दीजिए। आरजू द्विवेदी। सर ये बच्चों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, क्या है इनकी मांगे? क्या ये ज्ञापन जो सौंपा गया है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी चयन परीक्षा के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ये BSc नर्सिंग की परीक्षा उन्होंने पास की है, उस पास के पासिंग ईयर को लेकर के ज्ञापन इन अभ्यर्थियों के द्वारा सौंपा गया है। ज्ञापन जो है संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश भोपाल के नाम पर है। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है और द्वारा उचित माध्यम इसे आगे की ओर अग्रेसित कर दिया गया है।